अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का एक ओरिजिनल पेपर। यहाँ पर दोस्तों ये पेपर इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन और जनरल नॉलेज का है और ये टेस्ट 13 जून 2023 को लिया गया है। वीडियो को स्टॉप करके आप यहाँ पर उर्दू को पढ़ सकते हैं। MCQs वाले पोर्शन में हमारे पास यहाँ पर सवाल नंबर 1 में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द UN। UN की ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों अरबी, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश है। ऑप्शन ए जो है जर्मन। जर्मन UN की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। सवाल नंबर 2 है द ब्रिज इन द इस्तांबुल दैट कनेक्ट एशिया एंड यूरोप। एशिया और यूरोप को जो ब्रिज कनेक्ट करती है दोस्तों उसे बॉस्पोरस ब्रिज कहा जाता है। बॉस्पोरस ब्रिज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल नंबर 3 है विच पैक्ट वॉज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया आफ्टर 1965 वार। 1965 की जंग के बाद ताशकंद माहिदा हुआ था, ताशकंद पैक्ट। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 4 है वेयर इज द अर्लीस्ट मस्जिद लोकेटेड इन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुराना मस्जिद बनबोर है। पहला ऑप्शन ठीक है। बनबोर मस्जिद भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल नंबर 5 है व्हेन डेड पाकिस्तान एडॉप्ट द मेट्रिक सिस्टम। 1967। ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 6 में लिखा है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेब लोकेटेड। नेब का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में वाक़िया है। इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेब की मौजूदा चेयरमैन कौन है। नज़ीर अहमद भट्ट नेब की न्यू चेयरमैन है बमुताबिक जून 2023 के। सवाल नंबर 7 है वेयर वास चौधरी रहमत अली बार्न। चौधरी रहमत अली गढ़शंकर में पैदा हुई थी। ऑप्शन बी ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी गलत है। सवाल नंबर 8 में लिखा है कि व्हाट इज़ द नेशनल डिश ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल डिश निहारी है। बिरयानी भी एक टाइप है तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 9 है विच वन इज़ द नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल रिवर इंडस है। इसी सवाल के साथ अहम सवाल ये भी याद रखिए कि टोटल रिवर्स की तादाद पाकिस्तान में 24 है और इंडस को अवासिन भी कहा जाता है। दरियाए सिंध की लंबाई 2900 किलोमीटर है, ये भी याद रखिए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है और पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया रावी है, ये भी याद रखिए। सवाल नंबर 10 है व्हेन डेड ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकेम द फर्स्ट सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। 1971 से 1973 तक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रही और कब बनी थी 20 दिसंबर 1971 को, याद रखिए 20 दिसंबर 1971 को। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 11 है वेयर इज़ मालम जबर रिसॉर्ट लोकेटेड। मालम जबर रिसॉर्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये स्वात में वाक़िया है। पहला ऑप्शन ठीक है, स्वात वैली। सवाल नंबर 12 है विच वन इज़ द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ KPK। यहाँ पर इस भाई ने मर्दान मार्क किया है, मर्दान गलत है। KPK का लार्जेस्ट डिवीजन दोस्तों चतराल है और सबसे छोटा डिवीजन KPK का तोरगर है, तो यहाँ पर चतराल का ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। अगर पूरी पाकिस्तान की बात की जाए तो पूरी पाकिस्तान में लार्जेस्ट डिवीजन चागी है। कुछ कुतब में दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा मलाकंड है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक बनता है, लेकिन एरिया के लिहाज से लार्जेस्ट डिवीजन चतराल है। सवाल नंबर 13 में लिखा है कि विच इम्पोर्टेंट हिल्स आर लोकेटेड इन सिंध। सिंध में कोही कीरतर वाक़िया है। ऑप्शन डी ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप दोस्त किसी भी किस्म की जॉब टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारी चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो हमारी चैनल UC लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 14 है विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ लेड आउट ऑन द शेप ऑफ ब्रिटिश फ्लैग। फैसलाबाद। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 15 है विच वन इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का हॉटेस्ट प्लेस और पाकिस्तान का जेकब आबाद है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन सी है, जेकब आबाद पाकिस्तान का और सब कॉन्टिनेंट का सबसे गर्म तरीन इलाका है। सवाल नंबर 16 है व्हेन डेड मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा अपॉइंट जनरल अयूब खान एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जनरल अयूब खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनी 26 अक्टूबर 1958 को। 26 अक्टूबर 1958 को ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 17 है फर्स्ट सूरा रिवील्ड इन मदीना वाज। दोस्तों
और मक्का में नाजिल होने वाली पहली सूरत का तो सबको पता होगा, लेकिन मदीना में कौन सी सूरत सबसे पहले नाजिल हुई? याद रखी, सूरतुल फातिहा थी। ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 18 है, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द कलमा तैयबा बीन मेंशन्ड इन द होली कुरान? 2 times। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 19 है, विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान? कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा, जबकि सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। और हमारे पास दोस्तों इसी पेपर का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 20 है कि विच एनिमल इज़ मेंशन्ड इन सूरह कहफ अलॉन्ग विद अस्हाब कहफ? डॉग का जिक्र है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक है। तो दोस्तों ये रही बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की ASI की पेपर की कुछ अहम सवालात। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।